आशिक तुझसे इस घड़ी रूठ गए भगवान, अरे ज्वाला तुझको मार कर भेजेगी समुद्र। प्रताप सिंह अपने जुल्म के कदम को रोक लो, अरे ज्वाला वरना चलकर राख हो जाओगे। अरे ज्वाला काहे को मौत की नींद सोने हाँ आ गई रे। अरे मेरा नाम भैरव सिंह है, मैं मौत हूं। अगर तू यहाँ आई है तो याद रख जिंदा वापस नहीं जाए। खन खजूरे की तरह जुबान ज्यादा मत चला भैरव सिंह, नहीं तो तेरा अस्तित्व तो ही मिट जाएगा। ज्वाला के हराम ज्यादा भैरव प्रताप सिंह अगर मर्द का बच्चा है तो धोखे से वार क्यों करता है? धोखे का रोटी खाता नहीं, धोखे से पैदा भी हुआ है तू। तुम नहीं बोल रहे तो हाँ मौत आए बोल रही है। हराम जाते लाश साले पुलिस आने पर जाला। आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू सोच नहीं पाएगी। और याद रख तेरे को ऐसी भयानक मौत मारूंगा कैसे जैन रियासत के लोग तेरी दशा को देखकर भय से कांप। भैरव सिंह तू नहीं, तेरी मौत बोल रही है और तेरी मौत निश्चित है। अरे ज्वाला मर गए साले मुझको मारने वाले ठाकुर भैरव सिंह वो बला है कि जिसके ऊपर सवारी कर देता है उसकी जिंदगी झंड कर देता है। रे हमरा के मारने वाला इस पृथ्वी पर कौनो ससुरा नहीं पैदा हो सका क्योंकि हम भगवान से पूछ कर पैदा हुए। बात तो तुझे ज्वाला ऐसा झंड करेगी कि पैदा होने से पहले तेरा खानदान भी सोचेगा तू तो जैन प्रांत में पैदा नहीं होगा। लंबरदार हमारा कहा करो इनका देखो जाए ना पाओ। सुनो लंबरदार बोल मारे का मार डाओ। ऐसे तो ज्वाला को खुला छोड़कर लंबरदार ज्वाला को खुला छोड़कर तू देखेगा। तेरे लगा इनके साथ विचार कर रहा तो बताए ज्वाला तुम्हारे है तो हम लोग कड़े मानिकपुर का सेतना सत्तमी हैं। ये नार सिंह भैरव वहीं बोल इज्जत लूटे वाला काम बंद कर दियो हमारा कहा करो। राम बली अब मौत का खेल चालू। अब देखिए अगर इज्जत लूटी हो तो एक से एक साले चोर पैदा हुई हैं सबका एक डायरेक्ट मार डाला जाए। एक पैसा मार ले सारा बनाओ नंबर लाओ फंदा सत्य का ले ले सबका घेरो नंबर लगाओ। चलो नंबर बोलो नंबर एक नहीं तो क्या हुआ नंबर एक एक नहीं नंबर कहो तेरा तेरा साले पहले एक दो होगा कि तेरा नंबर तेरा। अच्छा सिर्फ बचा है एक दो मत थोड़ी मरी है एक दिन तो तीन चार तो खुद है तो तेरा कहाँ से हो गए रे? हम कही थे एक दो ना कहो सिर्फ नंबर है तेरा। अच्छा ठीक है निशाना बना न हेरा न फेरा और सिर्फ नंबर है तेरा। ठीक है निशाना बना राम बली नंबर तेरा। भैरव सिंह अगर जरा सी हरकत करता तो साले इस राइफल की गोलियां कभी रहम नहीं करती हैं। और ये संग्राम सिंह तेरे सीने में इतनी गोली दाग देगा कि पोस्टमार्टम करने वाला साला डॉक्टर टकरा कर गिर जाएगा। अब मां बलिया उठा हथकड़ी लगा दे हथकड़ी और इस भैरव सिंह के हाथों में डाल चला चला।
तेरा ना फेरा नंबर है तेरा। जब नंबर गिनत रहे तेरा समझे नहीं ना का। अरे साले ये सब चारों तरफ से हमका सपने में दिखात रहे। इनका समझ जाने से तो साले फंस गया। चलो आओ महामंत्री भैरव सिंह। क्यों आज संग्राम सिंह के समक्ष तेरी बोलती बंद हो गई? इतने चुवार हो गए बताओ भला शेर फूट गए हैं। संग्राम सिंह क्या कहना चाहते हो? अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो चा? तो अपने इस हेजड़ों की टीम लेकर फौरन यहाँ से दफा। मुंह में डाल के नाल मारूंगी खोपड़ी का पता नहीं चलेगा। राम बली ओ ये सब कौन है रे? ये सब झाटू है डाकू है। डाकू जी तुमको जो अगर धन दौलत की जरूरत हो तो शाही खजाने से जितना जी चाहे ले लो और यहाँ चले जाओ। महामंत्री भैरव सिंह धन चलो भी डाकू संग्राम सिंह नहीं बल्कि सारे तेरी जान का भूखा आशीष जयनगर भरी राज दरबार में मैं आया हूँ। और अगर भैरव सिंह इस संग्राम सिंह के चेहरे का साले दीदार करेगा तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अरे संग्राम सिंह तेरे चेहरे में ऐसी कौन सी धातु लगी है कि मेरे पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी? भैरव सिंह देखा अपने मुखड़े को। अगर तुझे यकीन नहीं है तो देख आज इस उज्जैन नगर के भरी राज दरबार में तेरे नजरों के समक्ष कौन है। हर सिंह आप है महाराज? मैं आपका वही वफादार सेनापति भंवर सिंह जो कि उज्जैन नगर के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सीमा सरहद पर हर वक्त तैयार रहता था। और आज इस भैरव सिंह की वजह से मेरे बदन पर यह काला लिबास और मैं उस उज्जैन नगर बीहड़ का मशहूर डाकू शंभू सिंह के नाम से अपने आप को जाना जाता हूँ महाराज। महारानी तारावती कहाँ पर है? रजन आज आपकी नजरों के समक्ष इस उज्जैन नगर भरी राज दरबार में ज्वाला के नाम से जो आई हैं वही उज्जैन नगर की मलिका महारानी तारा देवी है महाराज। तारा मुझे माफ कीजिए तारा, वास्तविक में तो तारा नहीं बल्कि तारा देवी है। मुझे माफ कीजिए तारा, मैंने इस हरामजादे भैरव सिंह की चाल चलन का नहीं समझ सका। मैंने आप लोगों को दोषी ठहराया, मुझे माफ कीजिए तारा। सोफी जी आपको तो गुमराह कर दिया गया था, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे नरक में भी ठिकाना नहीं देना चाहते। स्वामी जी इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, कसूर है तो कमीने भैरव प्रताप सिंह का। तारा क्या अपने बेटे आकाश से नहीं मिलोगी? बेटा हाँ जिसे आज 18 वर्षों से देखने के लिए तड़प रही हूं। ये बेटा आकाश बेटा कितना तुझे ढूंढ रही थी बेटा, तेरे लिए कितना तड़पी हूं, लेकिन कमीने भैरव सिंह के कारण तुझे मुझे अपने अचल से जुदा करना पड़ा बेटा। बेटा बेटी चांदनी कहिए माँ। तू हमेशा अपने पापा के बारे में पूछती रहती रही। हाँ माँ तो आज वो समय आ गया
तेरे पापा कहाँ हैं? मैं तुझे बताऊंगी आज। कहाँ पापा माँ? तेरे पापा और कहीं नहीं। कहाँ? यही है तेरे पापा। यही है? हाँ बेटी। कहाँ है माँ? बेटी जो काले लिवाज में है वो और कोई नहीं, तेरे पापा है बेटी। लेकिन माँ मेरे पापा इसी उज्जैन राज के एक सेना नायक थे, और ये तो एक डाकू है माँ। ऐसा नहीं कहते बेटे, इंसान की मजबूरियां कहाँ लाकर छोड़ दे, ये तो समय बता सकता है। आज मजबूरियां के कारण ये सब हालत हुई बेटी चांदनी। पापा मैं इस उदय नगर का सेना नायक, लेकिन हालात ने मुझे आज डाकू संग्राम सिंह के लिवास में इस महामंत्री भैरव सिंह ने पहुंचा दिया। राजमाता के साथ मेरे नाजायज संबंध इस हरामजादे सम्राट के समक्ष साबित कर दिया, और राजमाता के साथ सम्राट ने मुझे सलाखों के पीछे डाल दिया। हालात के हाथों मजबूर होकर आज तुम्हारा पिता ये डाकू संग्राम सिंह के भेष में है। 18 वर्षों से मैं तुझे अपने सीने से लगाने के लिए तड़प रहा हूँ। एक बार अपने पापा के सीने से लग जा बेटी। पापा, पापा। पापा, अब मुझे छोड़ के नहीं जाना पापा। नहीं मेरी गुड़िया, अब मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बेटी चांदनी, अपने चाचा से नहीं मिलोगी? मिलूंगी, अवश्य मिलूंगी। पिताजी इसी वक्त मैं इसके हाथ जोड़ रही थी कि चाचा जी मैं आपकी बेटी के समान हूँ, आपकी बेटी जैसे हूँ, मैं आपके हाथ सामने हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ कि मेरे आकाश को छोड़ दो। लेकिन ये हरामजादा भैरव सिंह मेरी इज्जत लूटना चाह पापा। बेटी इस हरामजादे को छोड़ना नहीं पापा। जिस तरह कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, उसी तरह भैरव सिंह कभी सुधर नहीं सकता है। लेकिन छोड़ना नहीं पापा। राजमाता, आपका कैदी आपके समक्ष है, वो भी हथकड़ियों में जकड़ा हुआ, इसे आप कौन सी सजा देना चाहती है राजमाता? भैरव प्रताप सिंह। राजमाता, तेरे कारनामों ने तो राजमाता के कलेजे को आग के ज्वाला से भर दिया है, और आज उसी ज्वाला में तुझे जलना होगा। अरे नहीं राजमाता, आप तो पाप नाशनी है, जगत तारनी है। मुझे माफ कर दो माता जी। पाप नाशनी, पाप कार्यों को दुनिया से मिटाया है माँ काली, माँ दुर्गा, माँ चंडी है। आज इसी तरह से तुझे दुनिया से मिटाकर उज्जैन प्रांत से पाप का सर्वनाश करूंगी। अरे नहीं माता, माता कहके तो साले पूरा नाश ही कहो है। भैरव प्रताप सिंह, अरे तूने जरा या न सोचा कि मैंने जिसका नमक खाया है उसी के साथ इतना बड़ा दगा? राजमाता कह रहा है, मैंने जो कुछ किया राम बलि के कहने पर, माता कह कर के तूने माँ की इज्जत लूटने की कोशिश किया। अरे नहीं आज तुझे अपने पापों का गिन गिन कर बदला देना होगा हरामजादे। हर जिंदा ना छोड़ो तुझको, तुझे को जिंदा ना छोड़ो तुझको, तूने ऐसा कर्म किया है। जिंदा
मोहब्बत की नजर में मुझको मुझको नजर में मुझको तूने कैसा गिरा दिया है। खुशियों से खिला चमन था एक छोटा फूल कमल था। हराम जादे चमन था एक छोटा फूल कमल था। आंचल से मेरे तूने तूले आंचल से मेरे तूने उसे कैसे जुदा किया है। आज तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। आज तुझे दुनिया से मिटने से कोई नहीं बता सकता कि माफ कर दो खता मेरी महारानी जी। माफ कर करने के लिए कैसी गलती दोबारा और करूं और मैं खतावार हूं माफ कर दी। भैरव प्रताप सिंह तुझे माफ कर दिया तो समझो उज्जैन प्रांत में एक पाप जन्म ले रहा है फिर से। इसलिए संग्राम सिंह बनने पर तूने मजबूर कर दिया है भंवर सिंह को। आज तू मिटेगा, जरूर मिटेगा। भैरव सिंह उज्जैन नगर के दुश्मनों का यह सेनापति भंवर सिंह क्या करता था? अरे भैया आज मैं तुझे दिखाऊंगा। सेनापति भंवर सिंह मैं तुम्हारा छोटा भाई राजमंत्री ठाकुर भैरव सिंह। तू छोटा भाई है और मेरी बेटी चांदनी के बदन पर साले तेरे हाथ बढ़े और उसकी असमत लूटने के लिए और कहता है साले मुझे माफ कर दे। ले ले तुझे भंवर सिंह माफ करता है हराम जादे। महारानी जी मुझसे बड़ा कमीना मुझसे बड़ा पापी इस पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। मेरी पत्नी माधुरी ने मुझको बहुत समझाने की कोशिश किया। अगर मैं उसका कहना मान लेता तो आज इस नतीजे पर मैं ना। लेकिन उस बिचारी को भी तूने दुनिया से मिटा दिया इसलिए तेरा जिंदा रहना ठीक। भाइयों कही तारा स्वामी जी आज अपने उज्जैन प्राण से दो दो पापियों का अंत हुआ है।
जिसके कारण उज्जैन प्रांत में कहर बरस रहा था। हाँ प्रिय, आज अपने राज्य में फिर से खुशियां आ गई। मेरे बच्चे और जो पिछड़े थे वो सब फिर से वापस आ गए हैं। हाँ तारा। लेकिन स्वामी जी, मेरी आपसे गुजारिश है। क्या कहना चाहती हो? अपना बेटा आकाश और सेनापति की बेटी चांदनी दोनों आपस में प्यार करते हैं, एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मेरी इच्छा यह कहती है कि दोनों को शादी करके अपनी बहू स्वीकार कर लिया जाए। जैसी है आपकी मर्जी तारा, आओ बच्चों मेरे पास आओ। सेनापत भंवर सिंह, आपके बदन पर ये काली वर्दी शोभा नहीं दे रही। आप वही वर्दी पहनकर इस देश की रक्षा करेंगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज। आओ बच्चों को। और स्वामी जी मैं? अरे आप हमारे साथ रहेंगे और ये वर्दी अच्छी लग रही? नहीं, आप फिर से जवान लग रही। हाँ उसी भेष में आ जाइए, इसको उतार दीजिए। ये भाइयों, इसी जगह से हमारी संगीत का समापन हुआ। जो संगीत खेले थे, जो संगीत आप लोगों के बीच में पहुंच रही है, शिव म्यूजिक नौटंकी सम्राट स्टूडियो द्वारा ये कहानी हम लोगों ने बनाया। आकाश की चांदनी, ज्वाला की ललकार और भटाकू संग्राम सिंह, आप लोगों के मनोरंजन हेतु ये परिश्रम करके मेहनत से अपने कर्तव्य से आप लोगों के बीच में भेज रहे हैं। आप लोग शिव म्यूजिक यानी नौटंकी सम्राट चैनल को YouTube पे देखिए और हमारी पार्टी यानी खन्ना सिंह चौहान जी की पार्टी का आनंद लीजिए। आप लोगों के सेवा में हमेशा हैं, हमेशा लगे हैं और लगे रहेंगे। बस आप लोगों का प्यार आशीर्वाद चाहिए। स्वामी जी और राजमहल की तरफ चलते हैं, मुरलिया वाले को याद करके। ब्रज के नंदलाला, ब्रज के नंदलाला, राधा के सांवरिया, ब्रज के नंदलाला, राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुआ जब तेरा नाम। राधा के सांवरिया, ब्रज के नंदलाला, सब दुख दूर हुआ जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदलाला, राधा के सांवरिया, ब्रज के नंदलाला, राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुआ जब तेरा नाम।